एग्जॉस्ट लगाया हुआ है इसमें फुल सिस्टम। फाइनेंस कहाँ तक हो जाएगा? LRC 390 स्टार्ट नहीं हुआ, 18,000 किलोमीटर के आसपास का, ज्यादा नहीं रखे, 1,05,000 400 है ये वाला। आफ्टर मार्केट ये वाला लगा हुआ है, ये वाला 6,000 का आता है, 2022 का है। माइलेज बहुत बढ़िया है इसका, 13,000 समथिंग चला हुआ है। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ सारे बढ़िया होंगे। सो गाइस, आप लोग को लोकेशन देख के समझ में आ रहा होगा कि मैं आज मतलब कहाँ पे आया हूँ वीडियो बनाने के लिए, ठीक है। तो लगभग 3-4-5 महीने बाद मैं इस शोरूम पे आया हूँ, ठीक है। और मैं हर वीडियो बताता हूँ, इस वीडियो में बताता हूँ कि इस शोरूम पे मेरा आने का रीजन सिर्फ एक ही है कि आपको मतलब क्वांटिटी कम मिलेगा, क्वालिटी सबसे बेस्ट मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे जो बाइक रहता है, मेरा बोलने का मतलब यही है कि बाइक आप कलेक्शन में देखने जाओ, ज़्यादा कलेक्शन आपको नहीं मिलेगा, सब स्पोर्ट्स बाइक मिलेगा, सब वाइजर बाइक मिलेगा, नेकेड बाइक मिलेगा, लेकिन स्पोर्ट्स हाई पिकअप गाड़ी यहाँ पे ज़्यादातर रहता है, 5-6-7-8 ऐसे गाड़ी मिलेगा। जो भी मिलेगा भाई, बेस्ट गाड़ी मिलेगा आपको, ठीक है। आप लोग गाड़ी से मतलब एक जगह आपको स्क्रैच नहीं मिलेगा गाड़ी का, इंजन वगैरह में कोई काम नहीं मिलेगा, और कोई सब तरह का मतलब सब तरफ से काम करके सर्विसिंग वगैरह सब कुछ करके आप इन लोग गाड़ी आपको हैंड ओवर करेंगे, ठीक है। कैसे हैं? एकदम मस्त। बहुत दिन बाद, 5-6 महीना बाद ऐसे मिलते हैं हम लोग, लेकिन वीडियो ज्यादा नहीं आ पाता, ठीक है, नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे शाम को कभी आते तो मिल लेते, कोई दिक्कत नहीं है। तो लोकेशन बताइए सबसे पहले क्या हो जाएगा? ये है B1 मोड फुलझोर दुर्गापुर, जहाँ पे कार्मेल स्कूल है। कार्मेल स्कूल मतलब नियर बाय कार्मेल स्कूल? नियर बाय कार्मेल स्कूल है। अच्छा, और बता देंगे। और ऐसे दुर्गापुर में आके आप लोग लोकेशन कॉल करोगे तो आपको लोकेशन समझाने की कोई दिक्कत नहीं है। और फाइनेंस कहाँ तक हो जाएगा? फाइनेंस होता है आपका, ये हो गया बर्धमान बांकुड़ा, यहाँ से 60 किलोमीटर तक जो रेंज है, 60 किलोमीटर जो रेंज है उसके अंदर में हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। और पूरा वेस्ट बंगाल नामदस पर हो जाएगा, हाँ, है ना। सबसे पहले क्या RR 310 देखे? हाँ, ये वाला देख लीजिए। सबसे पहले बताइए इसका कैसे क्या हो जाएगा? ये वाला आपका 47,000 चला हुआ है, 2020 का गाड़ी है, 47,000 चला हुआ है और 2020 का गाड़ी। अच्छा, 20 का गाड़ी मतलब 4 साल उम्र वाला गाड़ी? 4 साल उम्र। अच्छा, तो 4 साल के हिसाब से सही चला हुआ है इसमें, मतलब इससे ही पता चलता है किलोमीटर पे कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ? ना, जो है एकदम जो है वही है। अगर छेड़छाड़ होता तो कम हो जाता किलोमीटर। एकदम सही बात, हम लोग वाला काम करते हैं, है नहीं? सही बात है। और ये आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगाया हुआ है इसमें फुल सिस्टम। अच्छा, फुल सिस्टम लगाया हुआ है। इसका जो अलग आता है वो अलग भी स्टॉक रखा हुआ है, इसका स्टॉक जो भी पार्ट्स है सारा कुछ रखा हुआ है, जो गाड़ी लेगा उसको दे दिया जाएगा, उसका अलग से कुछ पे करना पड़ेगा? कुछ नहीं। ये गाड़ी बहुत कम प्राइस में आएगा, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जो भी है गाड़ी सारा कुछ 2020 का मॉडल है, 47,000 किलोमीटर चला हुआ, और टायर आपको बिल्कुल नया लगा है, दोनों टायर नया है, देख लो। और बैटरी भी नया है। बैटरी तो दिखा नहीं पाएंगे अंदर में, लेकिन टायर दिखा दे, टायर नया आपको मिल जाएगा। इसका आवाज गजब करता है ये वाला। हाँ, ये लाइक एग्जॉस्ट का ना, एक बार थोड़ा सुना सकते हैं? एकदम। मैंने वीडियो शुरू में बता दिया कि आपको यहाँ पे क्वांटिटी कम मिलेगी, लेकिन क्वालिटी सबसे बेस्ट मिलेगा गाड़ी का, ठीक है। आप लोग पहले आवाज सुन लो गाड़ी का, ये तो शायद वो डीपी क्लियर वाला ना, जिसको निकाल भी सकते हैं हम। हाँ, सारा कुछ है इसका, स्टॉक साइलेंसर भी मिल जाएगा, तेल वाला जो पीस है वाला भी मिल जाएगा, मिरर और आपका नंबर प्लेट भी मिल जाएगा, सब मिल जाएगा। तो इसका आस्किंग प्राइस क्या हो जाएगा सबसे? जो इसका आस्किंग ज्यादा नहीं रखे, 1,05,000। 1,05,000 नेगोशिएशन तो है ना, थोड़ा बहुत नेगोशिएशन हो जाएगा, क्योंकि इतना कम दाम में 1,05,000 में आपको 10 से गाड़ी मिल रहा है, क्या चाहिए भाई, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। अब क्या KTM देखें? हाँ, आइए। RC 390 है, 2018 का गाड़ी है, एकदम फुल्ली सर्विस्ड है, और टायर भी बढ़िया कंडीशन में ही है। इसमें स्टॉक साइलेंसर, पूरा स्टॉक गाड़ी है, कोई कुछ छेड़छाड़ नहीं, कुछ छेड़छाड़ नहीं हुआ, 18,000 किलोमीटर के आसपास चला हुआ है, मतलब ये भी ओरिजिनल 18,000 चला हुआ है। हाँ, एकदम। और इसका कलर देख लो भाई, ये थोड़ा सा मतलब लग रहा है मेरे को आफ्टर मार्केट कुछ। ये वाला गाड़ी मिलना बहुत मुश्किल होता है आजकल के दिन में, 390 कोई बेचना नहीं चाहता है, बहुत रेयरली मिलता है ये वाला मॉडल ना। हाँ, नया वाला मॉडल तो कोई खरीदता है नहीं, मेरे को भी पसंद नहीं है। तो चलाने में वो भी बढ़िया है, बढ़िया है, लेकिन उसका लुक बढ़िया नहीं है। इसका लुक बहुत बढ़िया है, मतलब KTM जो RC का जो मॉडल है ना, वो पहला बात तो वो गाड़ी तो जो है इसका इसी चीज के लिए सब इसको पसंद करता है ना। ये जो शार्क मॉडल दे रखा है, मतलब एक है ना सेफ में, बहुत शार्क, वो क्या ना मेरे को लग रहा है उसमें शायद हवा भी शायद मतलब कुछ वो करता होगा ना। इसमें क्या ना, इसमें देखने में बढ़िया लगता है, इसका पीछे वाला पोर्शन भी बहुत बढ़िया लगता है, अभी तो सीट आ गया कैसा ऊंचा टाइप का वो नहीं है। KTM का जो चीज मतलब जिस चीज के लिए KTM बाइक ज्यादा मतलब बिकता था वही चीज हटा दिया गया। कितने साल का मॉडल है ये वाला? 2018 का मॉडल है, प्राइस आप कॉल करके पूछिए, प्राइस बता देंगे। अच्छा, फिर वही चीज है ना, प्राइस के लिए कॉल करना पड़ेगा।
मतलब वो वाला बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए बता दिया, वो बहुत कम प्राइस में मिला। प्राइस आपको जानना है भाई, अगर आपको इंटरेस्टेड है, सीरियस बाय रहेंगे तो कॉल करेंगे, प्राइस आपको बता देंगे। और दीप्तो का नाम बता दीजिएगा, मेरा नाम बताएंगे तो और थोड़ा बहुत कुछ नेगोशिएट हो जाएगा, जितना हो जाएगा कर देंगे, ज्यादा जबरदस्ती नहीं करो तो अच्छा रहेगा एकदम। अब आता है डोमिनर 400 की 250 है, ये वाला 2019 का गाड़ी है, 400 ना, हां 400 है ये वाला, ये वाला 34,000 चला हुआ है। इसमें भी आफ्टर मार्केट बहुत कुछ, आफ्टर मार्केट ये वाला लगा हुआ है, ये वाला 6,000 का आता है, दोनों मिला के। इसका लाइट बहुत बढ़िया है, मैं इसका लाइट दिखाता हूँ आपको, पता है छोटा वाला ही बहुत मतलब भयानक देता है, जो बिग वगैरह में लगता है, ये तो बड़ा वाला है। इसका बहुत बढ़िया, इसका टू टोन आता है, एक हो गया आपका एक व्हाइट, एक हो गया आपका व्हाइट, एक हो गया और येलो, हाँ येलो टाइप का, पता है एम्बर कलर हो गया। ये जो क्या होता है, इससे वो फ्लैशिंग येलो वाला जो क्या होता है ना, वो आपका मतलब जो कुहासा वगैरह होता है ना, उसको उसमें बहुत काम आता है। ये टूरिंग के लिए बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। ये वाला कोई लेके गया तो टूरिंग के लिए और कुछ नहीं लगाना पड़ेगा, बस सैडल स्टे लगाओ, बैग लगाओ, निकल जाओ, निकल पड़ो। देख लो भाई टायर भी आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, टायर कलर भी देख लीजिए एकदम स्क्रैचलेस है, डोमिनर का यही कलर ही है, एकदम स्क्रैचलेस है, सीएम का पॉलिश भी करवा कर रखा है। वही तो हम तो पहले बोले, स्पेशल गाड़ी डोमिनर का कलर ही यही है भाई, मतलब कि ब्लैक कलर रेड कलर तो अभी तो मिल रहा है, लेकिन ये पहला कलर है, ये वाला कलर बहुत पसंद करता सब, बहुत पसंद करता सब, मेरा भी पर्सनल फेवरेट कलर यही है, ग्रीन वाला ही। ये थोड़ा थोड़ा मतलब गोप्रो पे जो लुक आता है ना, मतलब निंजा टाइप का थोड़ा सा लुक आता है ना, इसका भी प्राइस क्या वैसे ही कुछ है। इसका प्राइस भी मैं ऑन रिक्वेस्ट बता दूंगा आपको, कॉल करेंगे तो बता देंगे, ठीक है, मैं बता दूंगा या व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी करेंगे तो नंबर दे दीजिएगा, मैं नंबर तो ऐसे चल ही रहा है स्क्रीन पे। कितने सारा गाड़ी बोले, 2019 का मॉडल, 2019 का गाड़ी, और किलोमीटर, किलोमीटर चला है 34,000, आप दिखा सकते हैं किलोमीटर चला हुआ, यहाँ पे आएगा, अच्छा इसका नाम यहाँ पे, हाँ 34,340 किलोमीटर, किलोमीटर जो भी सब ओरिजिनल आपको मिल रहा है, कुछ किलोमीटर में हम लोग छेड़छाड़ कुछ सर्विस किया हुआ है, सर्विस किया लेकिन कुछ नहीं करना है, बस चलाना है, किलोमीटर से कुछ नहीं होता है ना, किलोमीटर भी हम लोग का ये पार्टनर गाड़ी लिया है, उसका 65,000 किलोमीटर चला हुआ डोमिनर लिया था, अभी 70,000-72,000 चल गया है, उसका गाड़ी भी अभी भी मतलब इंजन कोई छुआ नहीं है, मेरा भी तो गाड़ी 34,000 किलोमीटर चली है, गाड़ी ठीक से मेंटेन होगा ना, ये लिक्विड मॉली से सर्विस हुआ है, सही बात है, जिसका गाड़ी था सिर्फ लिक्विड मॉली भरवाता था, वेस्ट्रा का ब्रेक पैड लगा हुआ है, सिरेमिक ब्रेक पैड, गाड़ी अच्छे से रखने से सब होता है, मेरा गाड़ी 2021 से गाड़ी है, मेरा 34,000 प्लस चल गया गाड़ी, अभी यहाँ पे जो बैठा हुआ था, और 1,00,000 1,30,000 चल गया, 1,30,000 1,30,000 चल गया, वो लेके ऑल इन लेके हुआ है, अभी तक इंजन नहीं खुला गाड़ी का, अभी तक इंजन नहीं खुला, उनका गाड़ी है 1,00,000 से ज्यादा चल गया, इंजन नहीं खुला गाड़ी का, मेंटेन करने से गाड़ी चलता है, वो गाड़ी किसी को देते भी नहीं है, हाँ वो किसी को नहीं देता है गाड़ी, मतलब मेरी जैसा गाड़ी किसी को नहीं देता भाई, गाड़ी एक हाथ में चलेगा बढ़िया चलेगा, नहीं मेरा भी वही है, इनका अब आता ये वाला गाड़ी पर, और ये वाला हो गया, ये वाला गाड़ी 2022 का है, 22 का, सच बोले तो जिक्सर का जो इससे पहला जो मॉडल था जिसका हैंडल सीधा था, हाँ वो लुक उतना अच्छा नहीं था, लेकिन इसका लुक थोड़ा सा मतलब निकाला थोड़ा सा अच्छा है, इसका जो R15 देखता है वो अगर ये भी लेगा ना, ये कभी पछताएगा नहीं, ये गाड़ी माइलेज बहुत लगा, माइलेज बहुत बढ़िया है इसका, बहुत बढ़िया माइलेज, हैंडलिंग भी बहुत बढ़िया है, हाँ हैंडलिंग बढ़िया है इसका, मैं इसको चला रहा था 2 दिन, बहुत बढ़िया चल रहा था ये वाला गाड़ी, माइलेज वाला, हाँ 22 का गाड़ी है, 13,000 समथिंग चला हुआ है गाड़ी, मात्र 13,000, अच्छा 22 का गाड़ी है, टायर वायर एकदम मिंट कंडीशन, दोनों टायर ले आया देख लो, टायर अभी भी मेरे को तो लग रहा है अभी 16-17-18 तक चले जाएगा, आराम से चल जाएगा, रेलवे दोनों टायर आपको अच्छा खासा मिल जाएगा, ठीक है, और सब चारों गाड़ी दुर्गापुर नंबर पे है ना, हाँ सब गाड़ी दुर्गापुर, सारा गाड़ी दुर्गापुर नंबर, आप लोग बोलेंगे नंबर प्लेट नहीं दिखाएं दुर्गा, हालांकि सब गाड़ी दुर्गापुर नंबर प्लेट है, और इसका आस्किंग प्राइस भी इसका भी वही सेम, इसका भी बता देंगे आपको, इसका ज़्यादा दाम नहीं रखे है ये, इसका मैं बता देता हूँ, इसका 1,18,000 दाम रखा है, ठीक है, ऑन टेबल कुछ नहीं, कुछ ना कुछ व्यवस्था हो जाए तो दिक्कत नहीं, आपका नाम लेगा तो थोड़ा और थोड़ा बहुत कुछ कर पाए तो जरूर कर देंगे, कर देंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई जहाँ तक था सब कुछ आपको बाइक वगैरह दिखा दिए, कुछ भी अगर सीरियस बाय रहेंगे तो आपको प्राइस वगैरह कॉल अगर नहीं भी करोगे, अगर कहीं बिजी रहेगा तो व्हाट्सअप कर देगा, तो आपको प्राइस वगैरह सब एकदम कितना जो भी फोटो चाहिए होगा, आपको लोन का डिटेल्स चाहिए होगा, कितना डाउन पेमेंट हो सकता है, कितना EMI आ सकता है, मैं सारा कुछ बता दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन कॉल पे कर देना, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिक्विड बाय टेक केयर, जय हिंद जय भारत।